दोस्तों, अगर आपने भी बरगद लगा रखा है गमले में और आप उसका भी बोनसाई बनाने की शुरुआत कर रहे हैं, वैसे तो बोनसाई बनने का एक प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, लेकिन बरगद काफ़ी आसानी से बन जाता है। तो ये देखिए कितने लंबे लंबे पत्ते हो गए और मैं इसका इतना लंबा रूप मुझे नहीं चाहिए इसका, और बरसात में बहुत लंबे पत्ते निकल आते हैं, वैसे भी इसके पत्ते काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो इसको हमें करना क्या है, क्योंकि बारिश के पानी में होता है बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन, तो प्लांट बहुत ग्रोथ करता है। ये छोटे से सेलो पॉट में लगा हुआ है, बोनसाई पॉट में, और इसकी रूट भी पॉट से बाहर निकल आई हैं, तो वो मैं बाद में उसे रिपोर्ट करूँगी। अभी मैं इन दोनों ब्रांचेस को कट कर रही हूँ। कट करना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम कट करेंगे तो यहाँ से कुछ इस तरह से 4-5 ब्रांचेस निकलेंगी। आप चाहें तो इन पत्तों को फिर दोबारा कट कर सकते हैं ताकि पत्तों का साइज छोटा हो जाए और ये एक सुंदर सा बोनसाई का रूप ले ले और ये प्लांट सुंदर लगे।